दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो क्या है, परसेंटेज। कहे तो मैथ का एक बेसिक चीज़, एक मैथ का रीढ़ की हड्डी हम जिसको कहते हैं, बोन ऑफ मैरो जिसको कहते हैं, वो है दोस्तों परसेंटेज यानी प्रतिशत। ये इसका काम क्या है, इसका काम है सारे सवालों में ये आ करके सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट बनाते हैं। तो जब तक अगर आप परसेंटेज नहीं समझेंगे, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वह आपको वहाँ बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर आप बेनिफिट चाहते हैं मैथमेटिक्स में, आप चाहते हैं कि हमको अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, तो आपको पहले सबसे पहले परसेंटेज पढ़ने हो। दोस्तों ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, डेट का, एग्जाम डेट का, तो मे भी हो सकता है वहाँ आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। तो दोस्तों तैयार हो जाइए परसेंटेज प्रतिशत के लिए। सबसे पहले यह जानना होगा हमें कि प्रतिशत कहते किसको हैं, प्रतिशत है क्या। प्रतिशत देखिए नाम में ही छुपा हुआ है दोस्तों, प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100, वह क्या कहलाता है, प्रतिशत। जैसे हम बोले 100 में 25 मतलब 25%, हम बोले 100 में 50 तो क्या होगा दोस्तों, 50%। तो प्रत्येक 100 में अगर हम कोई चीज़ जो भी लेते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं, प्रतिशत है। इंग्लिश में देखिए क्या है, परसेंटेज है ना, परसेंटेज, सेंटेज मतलब 100, यानी सेंचुरी से सेंटेज बना है दोस्तों, है ना। तो देखिए कितना ईजी हो गया, प्रतिशत परसेंटेज। तो इससे आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, इजी हो जाएगा समझने। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कह दे कि 25%, तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों। अगर आपसे कोई कह दे कि 50% है, तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों। अगर आपसे कोई कहे मान लीजिए 45% है, तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर आपसे कोई कह दे 35% है, तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, यह हम जानेंगे इस वीडियो में, है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। 25% का मतलब हुआ कि 100 में 25, है ना। 50 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 100 में 50, है ना। 45 का क्या मतलब हुआ, 100 में 45। तो इसका मतलब अब इसको कहेगा फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए, या कहेगा भिन्न में तोड़िए, या पूर्णांक में तोड़िए, या परिमेय संख्या में तोड़िए, तो कैसे तोड़ेंगे। तो दोस्तों हमको पता है कि अगर हम प्रतिशत को उड़ाएंगे तो नीचे बट्टे में क्या आएगा, 100। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से प्रतिशत को उड़ा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, 25/100। अब इसको अगर काट दिए तो क्या आ गया दोस्तों, 1/4। अगर 50% को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 50/100। अगर इसको काट दिया तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/2। अगर 45% को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 45/100। 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, यानी 9/20। अगर 35% को लिखना हो तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 35/100, ये 5 में कट गया, 20 × 5 = 100, यानी 7/20। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल फ्रैक्शन टूट गया, 25% 1/4, 50% 1/2, है ना, 45% 9/20, है ना, 35% 7/20। तो अगर आप इसको माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कहाँ बेनिफिट होगी, जब हम सवाल में इसका यूज करेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ याद रहेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा दोस्तों। इसका प्रयोग हम प्रॉफिट लॉस में भी करते हैं, है ना। इसका प्रयोग दोस्तों SICI में भी करते हैं। तो कोई भी टॉपिक आ जाए, आप बिना फार्मूला के अगर आप परसेंटेज अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपको बिना फार्मूला का, है ना, आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई दोस्तों। अब इसी तरह मान लीजिए 50% दे दे तो 1/2, 55% दे दे तो 11/20, क्योंकि 5 से काटेंगे दोस्तों 11 मेर में, 100 काटेंगे 5 से 20 पर 11/20। तो कोई भी अगर आपको दे देगा कि इस परसेंटेज को तोड़िए, तो आप आसानी से तोड़ लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इसके अगले टाइप में क्या आता है, अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या आता है। तो चलिए दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह दें कि 200 कोई रुपया है ना, उसका 20% कितना रुपया होगा, यानी 200 रुपया है उसका 20% कितना रुपया होगा। या आपको कोई कह दे 400 रुपया है, उसका 30% क्या होगा, है ना दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे इसको, बहुत सिंपल है दोस्तों। कैसे निकालेंगे तो देखिए, 200 × 20/100, सुना सुना दोगो सुना दोगो सुना क्या हो गया, कट गया, 20 × 40 रुपया। अब इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, 400 × 30/100,
ये डबल सुना कट गया, 30 चौके 120। यानी अगर आपको किसी भी टाइप का दे दे, कह दे आपको कि तुम बाजार लेके गए 200 रुपया, उसका 30% खर्च कर दिए, तो कितना बचत हुआ? तो पहले यह आप निकाल लीजिए, 200 में से अगर उसने 30% खर्च किया तो कितना रुपया खर्च किया। अगर यह आपको निकल गया तो आप आसानी से निकालेंगे कितना बच गया, है ना दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए हम निकाल दे कैसे। अब इसका माइंड कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि ये तो बोर्ड कैलकुलेशन, ये पेन कैलकुलेशन हो गया, माइंड कैलकुलेशन कैसे होगा यह जरूरी है दोस्तों, है ना। कोई सवाल को हम बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर उसे हम बिना कलम उठाए बनाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि 200 का 20% क्या होगा, या 200 रुपये का 20% क्या होगा, तो आपको माइंड में झांक सोना चाहिए, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। तो अगर 100 आएगा तो नीचे में तो 2 सुना हो गया 100 में, और 200 में भी क्या को सुना है, 2। तो डबल सुना यहाँ, डबल सुना यहाँ, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 20, 20 × 2 = 40। अब देखिए दोस्तों, अगर 400 का 30% पूछेगा, तो अगर 400 × 30/100 करेंगे तो नीचे भी डबल सुना आएगा। तो डबल सुना तो इससे कट गया, तो बच गया यहाँ 4, यहाँ बच गया 30, 30 × 4 = 120। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा 500 का 30%, तो डबल सुना कट गया, बच क्या गया 5 × 30, यानी कितना हो गया दोस्तों 150। तो कुछ भी आपसे पूछे तो आप माइंड कैलकुलेशन करना सीखिए, माइंड को कैसे कैलकुलेट करेंगे माइंड। तो ये सिंपल से सवाल हो गई, फिर हार्ड वाले लेवल पे जाएंगे फिर वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो दोस्तों ये तो हो गया कि परसेंटेज चलो तोड़ देते हैं, परसेंटेज दिया हुआ है, अगर आपको परसेंटेज पूछे तो कैसे निकालेंगे, है ना दोस्तों। चलिए एक एग्जाम्पल लेते तो आपको बेहतर समझ में आएंगे। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दे फ्रैक्शन में 5/8, बोले इसको परसेंटेज में बताओ कितना होगा। ये अगर 8 में 5 भाग है यानी, तो उसको परसेंटेज में कैसे होगा, परसेंटेज बताओ। तो भाई दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 4 × 8 25 × 100, 25 × 5 = 125/2% हो गया। तो अगर कुछ भी दे दे दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दे 1/5, इसको परसेंटेज में बदलो, तो परसेंटेज बदलने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, 100 से गुना करते हैं। तो 20 × 5 = 100, यानी कितना हो गया दोस्तों 20% हो गया। अगर दोस्तों मान लीजिए 1/8 दे दे, तो इसको बोले परसेंटेज में चेंज करो, कैसे चेंज करेंगे, तो गुना 100 करेंगे, चार्ज करेंगे 4 × 8 25 × 100, यानी 25/2%। तो कुछ भी कह दे दोस्तों परसेंटेज कैसे बदलेंगे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको, फ्रैक्शन में दे दे, गुना भाग करके दे दे, कुछ भी दे दे। इतना ध्यान रखना है कि अगर हमको परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100 देंगे, अगर परसेंटेज लाना है तो गुना 100 करेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं याद रखना है। अगर परसेंटेज लाना है तो गुना 100, हटाएंगे परसेंटेज तो नीचे 100, इससे ज़्यादा आपको ध्यान लगाना ही नहीं है दोस्तों। तो ये हो गई बेसिक चीज़ें परसेंटेज की, है ना, जो आपको आगे सवाल में काम देगा। इसको अगर आप नहीं समझे तो सवाल में फिर काम देना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये बेसिक, अगर आप शुरुआत लेवल से नहीं चलेंगे, एकाएक सवाल पूछेंगे तो कैसे होगा, तो वो आपको फिर दिक्कत हो जाए। पहले बेसिक चलिए, फिर धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों तो ये हो गया परसेंटेज निकालने का, परसेंटेज तोड़ने का। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, कि जैसे गांव आड़ में जाते हैं तो पहले का जो बुजुर्ग लोग पढ़े लिखे रहते वो पूछते हैं, अच्छा बाबा तो मैट्रिक पास किए हो, तो हाँ बाबा तो मैट्रिक पास किए, होता तो एगो चीज़ बताओ 500 में कते नंबर आया, तो आप बोल दिए कि दादाजी 310 आ गया। तो अगर 310 आया तो पूछा बताओ क्या परसेंटेज हुआ, तो वहाँ तो कॉपी कलम नहीं है, तो कैसे निकालेंगे इसको, है ना। रास्ते में जाना किसी ने पूछ दिया, है ना, कि तुमको 200 टका दिए थे उसमें से 150 रुपया खर्च कर दिया, तो क्या परसेंट खर्च कर दिया, या क्या परसेंट तुम्हारे पास बच गया, तो आप कैसे निकालेंगे उसको। इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाते हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल को, है ना, हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो में, कि हम इस टाइप के सवाल को लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि लैंग्वेज में अगर इस टाइप के सवाल को आए तो हम इसको बनाते कैसे हैं। और पहले समझना जरूरी है क्वेश्चन को कि समझते कैसे,
है ना। तो और फिर हम आपको बताएंगे कि माइंड में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे ज़रूरी तो यही है, सवाल तो सब बनाते हैं लेकिन माइंड में कैलकुलेशन हर कोई, हम वही सिखाने आए हैं कि माइंड में कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेशन कितना फास्ट होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों।